बहुत बड़े लेवल पर, बहुत बड़े स्तर पर लोगों ने उसे एक्सेप्ट किया है। अब अभी जो है वो एक एंटी मोदी अलायंस भी खड़ा होता है कभी कभी, बट उनको ये बात समझ लेना चाहिए कि 2019 में देर इज नो वैकेंसी फॉर द प्राइम मिनिस्टर पोस्ट। द कॉमन मिनिमम कमिटमेंट ऑफ द एंटी मोदी अलायंस इज करप्शन, कंट्राडिक्शन एंड कंफ्यूजन। और आने वाले दिनों में जो हमारा सबसे बड़ा बड़ी लड़ाई है वो विकास के लिए है, डेवलपमेंट के लिए है, डेवलपमेंट विद डिग्निटी के लिए है। चाहे वो डिमोनेटाइजेशन हो, चाहे जीएसटी हो, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, ये कड़े फैसले और बड़े फैसले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लिए हैं और जिसका कि असर आज देश में दिखाई पड़ने लगा है। आज देश की अर्थव्यवस्था, देश की इकोनॉमी, देश की जो जीडीपी ग्रोथ है वो मजबूत हुई है, बढ़ी है। आने वाले दिनों में 8% जीडीपी ग्रोथ होगी इस देश की। आज देश में जो है वो जो लिबर्टी मॉड था उसमें जो है वो आज से 4 साल पहले सिर्फ 28 स्कीम्स गवर्नमेंट की थी जो कि लिबर्टी मॉड में थी, और बीच में उसका नतीजा था कि बीच में लीकेज होता था, करप्शन होता था, मिडिल मैन उसमें बीच में जो पब्लिक मनी है उसकी लूट होती थी। इन 4 सालों में 28 स्कीम्स की जगह पर अब 431 गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं वो डीबीटी मॉड में हैं और उसके थ्रू लोगों को उसका फायदा हो रहा है। स्वच्छता अभियान हो, जनधन योजना हो, मुद्रा का कार्यक्रम हो, ये सारे के सारे जो है वो योजनाएं जो है वो उसका हम एक रिलीज आपको देंगे, वो लोगों के जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए, फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपुल्स ऑफ द कंट्री एंड पुअर्स स्पेशली एंड वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। और आज जो है वो हम जब कहते हैं कि हर गांव में बिजली पहुंचाने का हमारा कमिटमेंट हमने पूरा किया है और आने वाले दिनों में हम हर घर में बिजली पहुंचाने का कमिटमेंट पूरा करेंगे, उसके अलावा जो है वो हमने जो है वो रोजगार और रोजगार के अवसर, एम्प्लॉयमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बड़े पैमाने पर पैदा किए हैं। अगर हम रोड का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, अगर गांव की रोडों का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, अगर पोर्ट्स के कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, अगर एयरपोर्ट का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, अगर देश के अन्य हिस्सों में एक्टिविटीज बढ़ी हैं तो वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बहुत बड़े पैमाने पर तय करती हैं। स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया जैसे जो कार्यक्रम हैं उन कार्यक्रमों के जरिए भी हमने जो है वो विकास के का माहौल मजबूत किया है। उसके अलावा फ्रेंड्स, हम जब 4 साल पूरा करने के बाद लोगों के बीच में जा रहे हैं तो हम इस कमिटमेंट के साथ और इस कॉन्फिडेंस के साथ जा रहे हैं कि हमने इन 4 सालों में, क्योंकि हमने एक बार शुरू में कहा कि हमने किस तरह से शुरू किया था, करप्शन, पॉलिसी पैरालिसिस, इकोनॉमी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर गई थी, देश में चारों तरफ जो है वो एक बहुत ही निगेटिव माहौल था, इन सरकमस्टांसेस में हमने देश की जो अर्थव्यवस्था है उसको मजबूत किया, देश में जो गवर्नेंस के प्रति विश्वास है वो खड़ा किया,
स्टेबिलिटी पैदा की और भारत की जो पूरी दुनिया में इमेज है अमेरिका से लेकर के और अरब तक, ऑस्ट्रेलिया से लेकर के और अफ्रीका तक, दुनिया का कोई भी देश ऐसा नहीं है जो भारत को एक बहुत शक्तिशाली देश के रूप में एक्सेप्ट ना कर रहा हो और भारत विश्व गुरु बनने के रास्ते पे चल पड़ा है। और क्रेडिट गोज टू पीपल्स ऑफ द कंट्री एंड एज वेल एज द लीडरशिप ऑफ द स्ट्रांग एंड इफेक्टिव लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। फ्रेंड्स, उसके अलावा जो है वो हमने जो है वो क्योंकि गोवा में हम हैं तो कुछ हम माइनॉरिटीज के भी बारे में बताना चाहेंगे। इन हमने जो है वो 4 सालों में जो वीकर सेक्शन है अमंग द माइनॉरिटीज, पुअर हैं, उनको जो है वो 2,66,00,000 स्कॉलरशिप दी है फॉर द एजुकेशनल एम्पावरमेंट। अर्लियर द ड्रॉप आउट रेट अमंग द माइनॉरिटीज स्पेशली माइनॉरिटी गर्ल्स आर मोर देन 72%। नाउ द ड्रॉप आउट रेट अमंग द माइनॉरिटी गर्ल्स आर 40-42% एंड आवर कमिटमेंट इज इन कमिंग टू ईयर्स वी वॉन्ट 0 ड्रॉप आउट रेट फ्रॉम द एनी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी स्पेशली द पुअर्स एंड माइनॉरिटीज। दैट इज वाई इन लास्ट 3-4 years we distributed more than 2,66,00,000 scholarship for minorities and 2,66,00,000 more than 50% girls. Secondly, employment and employment oriented programs like Siko Kamao, Ustad, Gareeb Nawaz Skill Development Program, we provided 5,43,000 employment and employment opportunity for minorities in last 4 years or 3 years. And the other और भी जो अलग अलग एम्पावरमेंट प्रोग्राम्स हैं वो हमने जो है वो कहा डेवलपमेंट विद डिग्निटी, एम्पावरमेंट विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, और उस काम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लीडरशिप में हमने बहुत मजबूती के साथ किया है। फ्रेंड्स, इसके अलावा और भी बहुत सी चीजें हैं जो कि आपको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आपको इसमें कुछ क्वेश्चन करने हैं तो अच्छा होगा। थैंक यू वेरी मच। यस यस यस। सर, आपका नया स्लोगन साफ नीरज सही विकास बहुत अच्छा लगता है। सो डज इट मीन दैट लाइक ड्यूरिंग वाजपेयी टाइम यू आर Shining India, hey, now you feel that you are Achhe Din slogan is correct? Saaf Niyat Sahi Vikas. जब हम कहते हैं कि डेवलपमेंट विद डिग्निटी, डेवलपमेंट विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, तो यह है हमारी साफ नीयत। सही विकास का मतलब यह है कि जो नीडी है, जो गरीब है, जो मिडिल क्लास है, जिस तक की विकास की रोशनी नहीं पहुंची है,
अगर हम एलपीजी कनेक्शन गरीबों तक पहुंचा रहे हैं, अगर हम जो है वो हर गांव में बिजली पहुंचा रहे हैं, अगर हम जो है वो देश के सभी हिस्सों को तरक्की के साथ जोड़ रहे हैं, हम नेशनल हाईवे से लेकर के और ग्रामीण सड़क तक की जो योजनाएं हैं उसको हम ग्राउंड पे उतार रहे हैं, तो ये हमारा जो है सही विकास है। और हमारा मानना है कि हम पूरे कमिटमेंट के साथ, पूरी ऑनेस्टी के साथ विकास के रास्ते पे चल रहे हैं और आने वाले दिनों में उस पे ही चलते रहेंगे। अच्छे दिन तो हमने चुनाव में भी कहा था और आज भी हमारा अच्छे दिन कमिटमेंट है, अच्छे दिन फॉर द कॉमन पीपल्स। और जो बुरे दिन थे, उस बुरे दिन को अगर आप याद करेंगे तो स्कैम पे स्कैम, करप्शन का एक पूरा जो है वो घंटा घर था चारों तरफ। यस, ऑन द पेट्रोल प्राइस इशू, योर गवर्नमेंट इज बीइंग स्लैम्ड दिस डे ऑन सोशल मीडिया, स्पेशली शोइंग मेनी ऑफ योर नाउ मिनिस्टर्स हु इज टू आस्क मनमोहन सिंह गवर्नमेंट टू रिजाइन डे इन एंड डे आउट। व्हाट इज योर टेक ऑन दिस पेट्रोल प्राइसेस? देखिए, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, इनकी प्राइस जो है वो किसी भी रूप में बढ़े, ये जनता के साथ साथ हमको भी चिंता है। और व्हेन आवर पार्टी वाज इन अपोजिशन एट दैट टाइम वी आर अपोजिंग एनी टाइप ऑफ द हाइक इन पेट्रोलियम एंड पेट्रोल, बिकॉज द प्राइस ऑफ द क्रूड ऑयल आर वेरी लो इन द वर्ल्ड मार्केट। एज फार एज द प्रेजेंट जो पेट्रोल के या डीजल के दाम बढ़े हैं, उसके बारे में पेट्रोलियम मिनिस्टर ने बहुत क्लियर कहा है कि इस बारे में हम काम कर रहे हैं और हमारी भी चिंता है। थैंक यू। यस सर। सर, आप जब बोल रहे हैं कि आप लोगों ने इतने काम किए हैं, तो 2019 में जब इलेक्शन के लिए जाएंगे तो आपको रीजनल पार्टी की जरूरत है, स्पेशली गोवा ऑल्सो, क्या आप अकेले? देखिए, पहली बात ये कि हम जब 2014 में हमें मैंडेट पब्लिक ने दिया है तो हम जो है वो पूरा मैंडेट था, फुल मैंडेट, और मेजॉरिटी थी, लेकिन जो हमारे एलाइज थे हमने उन एलाइज के साथ मिल करके सरकार बनाई। आज भी हम एलाइज के प्रति बहुत ऑनेस्ट हैं और एलाइज के प्रति भी हम बहुत ही कमिटेड हैं, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी का समय रहा हो एलायंस का, और चाहे अभी नरेंद्र मोदी जी का। जो फेडरल सिस्टम है हमारा, उस फेडरल सिस्टम के प्रति हमारा कमिटमेंट पूरी तरह से स्ट्रांग और इफेक्टिव है। इसलिए जो है वो जो एलायंस है हमारे, हमारी कोशिश है कि वो हमारे साथ रहे। अगर कोई नए एलायंस की जरूरत होगी तो हम नए एलायंस भी देखेंगे। हमने कोई नो एंट्री का बैन नहीं लगाया हुआ है, नो एंट्री का बोर्ड नहीं लगा है। देखिए, हमने तो किसी को नहीं छोड़ा, नंबर वन, हमने किसी को ना छोड़ा है ना छोड़ेंगे, डोंट वरी, जो गया है वो लौटेगा नहीं, ये जरूरी नहीं। सर, इसका मतलब है कि फिर प्राइम मिनिस्टर के नाम से वोट नहीं मिलेंगे, अलायंस की जरूरत होगी आपको? नहीं, हमारे साथ देखिए एक चीज आप देखिए, एक तरफ जो एंटी मोदी सो कॉल्ड मोर्चा है उसमें जो है वो मोर देन 24 प्राइम मिनिस्टर उम्मीदवार हैं। अगर आप एम्प्लॉयमेंट न्यूज में
वैकेंसी निकाल लीजिए फॉर द प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट, तो उसमें फ्रॉम द एनडीए साइड ओनली वन सामने आएगा नाम, एंड फ्रॉम द यूपीए साइड मोर देन टू और थ्री डजन नेम्स विल कम, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह जी भी हो सकता है निकल पड़े, फिर मायावती, अखिलेश यादव, ये वो एक बहुत लंबी लॉन्ग क्यू है। तो इसलिए जो है वो हम स्टेबिलिटी की भी बात भी करते हैं और साथ साथ हम जो है वो जो फेडरल हमारा सिस्टम है उसको भी हमने स्ट्रॉन्ग करने का काम किया है। तो प्राइम मिनिस्टर के नाम से वो नहीं मिलेंगे ऐसा आपको? नहीं, किसने बोला? स्पेसिफिकली मेरा क्वेश्चन है कि विदाउट अलायंस आवर लीडर इज नरेंद्र मोदी, अंडर द लीडरशिप ऑफ नरेंद्र मोदी वी आर गोइंग इन लोकसभा 2019 इलेक्शन टू सीक वोट फ्रॉम द पीपुल्स ऑफ द कंट्री, एंड आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट द पीपुल्स ऑफ द कंट्री आर इन द फेवर ऑफ द डेवलपमेंट एंड अगेंस्ट द एनार्किस्ट अलायंस with the commitment and the common program of the anarchist alliance is confusion, contradiction and corruption. देखिए, our state unit is also very much concerned about it, and our state party is pursuing with appropriate authorities and I think their concern is very genuine, and at appropriate time, because of this matter is the Supreme Court, because of the direction of the Supreme Court, so then our state unit is doing well. हमने बोला ना कि हमारी स्टेट यूनिट जो है वो उसमें बहुत सीरियस एफर्ट्स कर रही है। सर नमस्कार। जी नमस्कार। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले हम वो वीडियो देख रहे थे रिगार्डिंग कंप्लीशन ऑफ 48 मंथ्स ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इस सरकार को 4 साल पूरे हुए, इस 4 साल की आपकी टोटल जो गवर्नमेंट का ये है उसमें आपकी जो प्राप्तियां हैं उस प्राप्तियों में सरकार के सभी घटकों का योगदान रहा है, लेकिन पूरे उस वीडियो में एक पंतप्रधान नरेंद्र मोदी छोड़ के दूसरा कोई भी चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है। आपके सरकार के बहुत से मंत्रियों ने बहुत से अच्छे अच्छे डिसीजंस लिए, जैसे कि हमारे गोवा के डिफेंस मिनिस्टर, जो डिफेंस मिनिस्टर थे उसके समय में सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, वन रैंक वन पेंशन स्कीम हुई, लेकिन इस 4 साल के प्राप्ति में बाकी के मिनिस्टर का कहीं भी रेफरेंस नहीं हो रहा है। अभी आपके पीछे जो बैनर लगा है उस बैनर पे मुख्तार अब्बास नकवी ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ मिनिस्टर माइनॉरिटी अफेयर्स, लेकिन उसके बाजू में आपका फोटो नहीं दिखाई दे रहा है। ये वन मैन शो, वन मैन इस डेमोक्रेसी में कितना ठीक है ऐसा आपको लगता है? नहीं, मेरे फोटो की जरूरत नहीं, मैं खुद ही बैठा हुआ हूँ सामने आपके, एक चीज। दूसरी चीज, नरेंद्र मोदी जी इज अवर लीडर, ही इज लीडिंग द गवर्नमेंट एज वेल एज द पार्टी आल्सो। तो जो लीडर होता है, लीडर के साथ सारे के सारे लोग चलते हैं, लीड वो कर रहे हैं। तो आज अगर जब उनका नाम आता है तो हमारा नाम आता है, सारे जो मिनिस्टर्स हैं उनका नाम आता है, जो हमारी पार्टी के एमपीज हैं उनका नाम आता है। ये पॉसिबल नहीं है कि सबका नाम और सबके चीजों के साथ किया जाए। इसलिए जो है वो एक लीडरशिप और एक्सेप्टेबल लीडरशिप, इफेक्टिव लीडरशिप,
वो हमारी है, उसमें इसमें कहीं किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। हेलो, देयर इज अ लास्ट फोर इयर्स देयर इज अ परसेप्शन अमंग द माइनॉरिटीज अनसेफ इन द कंट्री एंड टाइमली दे हैव बीन एक्सप्रेसिंग देयर अप्रेशन ऑन सोशल मीडिया साइट्स। हाउ डू यू रिएक्ट टू इट? व्हाट कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स आर टेकन बाय दिस गवर्नमेंट? देखिए, हमने जो है वो जब ये बात करी कि डेवलपमेंट विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, डेवलपमेंट विद डिग्निटी, तो डेफिनेटली वो तबका और स्पेशली जो माइनॉरिटीज हैं जिन तक की विकास की रोशनी नहीं पहुंची, उन तक हमने पहुंचाने की कोशिश की। जो आपने कहा कि डर और फियर की बात है, अनफॉर्चुनेटली सम फोर्सेस, स्पेशली सम पॉलिटिकल फोर्सेस आर ट्राइंग टू डिस्टर्ब दी एटमॉस्फियर ऑफ डेवलपमेंट, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, और इसलिए वो कोशिश ये करते रहते हैं। आप कुछ आइसोलेटेड जो इंसिडेंट्स हैं उनको अगर आप छोड़ दीजिए, तो इन लास्ट फोर इयर्स में देर इज नो मेजर कम्युनल राइट, देर इज नो मेजर कम्युनल इंसिडेंट टेकन प्लेस इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। सम आइसोलेटेड क्रिमिनल इंसिडेंट्स डेफिनेटली हुए हैं, और जो आइसोलेटेड क्रिमिनल इंसिडेंट्स हुए हैं उनको टाइमली उनके खिलाफ एक्शन किया गया है, और जो लोग भी इसमें रिस्पॉन्सिबल हैं उनको जो है वो जेल भेजा गया है। इसलिए हम इतना आपको यकीन दिलाना चाहते हैं कि माइनॉरिटीज इन अवर इंडिया इज सेफ एज अ राइट ऑफ द माइनॉरिटीज, सोशियो इकोनॉमिक एजुकेशनल रिलीजियस धार्मिक सामाजिक आर्थिक और सभी अधिकार जो है दुनिया के किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री से ज्यादा सेफ सिक्योर है। इसलिए जो है वो कुछ लोग अगर इस तरह का माहौल बनाते हैं तो आई डोंट थिंक कि दे विल सक्सीड। एंड हमारे लिए जो है वो माइनॉरिटीज का डेवलपमेंट वोट से रिलेटेड नहीं है। अदरवाइज के लिए डेवलपमेंट ऑफ द माइनॉरिटीज जो है वो वोट का वोट से रिलेटेड रहा है। जी, इन द रिसेंट आई एम प्रकाश कामत फ्रॉम द हिंदू। हाँ जी, इन द रिसेंट बाइपोल्स ऑफ लोकसभा एज वेल एज विधानसभा बीजेपी डेफिनेटली गॉट अ मेजर सेटबैक। नाउ द पॉइंट इज हाउ यू इंटरप्रेट इट, इज इट अ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर व्हिच इज अफेक्टिंग यू, और इज इट द कंपेनिंग ऑफ द अपोजिशन अगेंस्ट मोदी व्हिच इज शोइंग इफेक्ट? देखिए, एक चीज तो बहुत क्लियर है कि वी आर द पॉलिटिकल पार्टी, एंड हर पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अपने काम के नाम पर वोट मांगती है और लोगों के बीच भी जाती है। अगर मैं ये कहूँ आपको कि जो बाई इलेक्शंस हुए हैं इसमें बाई इलेक्शन में जो डिफीट हुई है उसको हमें हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इट्स रॉन्ग। ऑफकोर्स द परसेंटेज ऑफ द वोट इज नॉट डिक्रीज ऑफ द भारतीय जनता पार्टी, बट बिकॉज ऑफ द अलायंस ऑफ द सम अनहोली अलायंस ऑफ द सम पार्टीज तो ये हुआ है। लेकिन हमें ये एक देखिए, जब आप मैदान में होते हैं और आपका जो अपोनेंट सामने होता है उसका आपको पता लग जाता है कि उसका उसकी जो है वो टैक्टिक्स क्या है, वो मैदान में किस तरह से लड़ना चाहता है, तो वो आपको उस लड़ाई में आसानी हो जाती है। तो हमें थोड़ा सा इससे एक्सपीरियंस भी हो गया है और इस एक्सपेरिमेंट से हमें आसानी भी हुई है, और हम और स्ट्रांगली और इफेक्टिवली जनता के बीच में जो इस तरह का ये अलायंस वो कॉल्ड एनार्किस्ट अलायंस है उससे जो है वो हम निपट लेंगे। नकवी जी, द लेटेस्ट कंसर्न इज दैट फार्मर्स एजुकेशन व्हिच इज शोइंग साइंस ऑफ डिवाइड ऑफ रूरल एंड अर्बन।
farmers are stopping the supplies to urban areas to show the concern about their suffering. So how you respond to this? इसके साथ ही मैं जोड़ना चाहूँगा कि महाराष्ट्र में किसानों का आंदोलन चल रहा है, इसके बाद भी हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री उनके ऊपर बोलने के लिए स्टंट नहीं, वो जो कृषि मंत्री का जो बयान था उसको उन्होंने क्लियरफाई भी किया है। और देखिए, फार्मर्स की जो प्रॉब्लम है, हमारा कमिटमेंट भी है कि फार्मर्स की जो समस्याएं हैं उनकी हम जब आमदनी दुगनी करना चाहते हैं, हमने उनको सॉयल हेल्थ कार्ड मुहैया कराया है, हमने जो है जब नीम कोटेड यूरिया जो है वो इन पिछले 4 सालों में कहीं पर भी देर इज नो शॉर्टेज ऑफ द यूरिया इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। इसके अलावा जो है वो और भी जो डिफरेंट प्लेसेस हैं, डिफरेंट इश्यूज हैं, वो फार्मर्स के इश्यूज हैं, वी कैन नॉट इग्नोर की इशू नहीं है, और उन इश्यूज को हमें एड्रेस भी करना है, उसको हमें सॉल्व भी करना है। इसलिए जो है वो हम ये नहीं वादा आपसे कह सकते कि 4 साल में हमने सारी जो प्रॉब्लम्स पिछली थी उसको हमने खत्म कर दिया। यस, देयर स्टिल सम चैलेंजेस आर देयर, बट हम उन चैलेंजेस को करेक्ट करेंगे, ठीक करेंगे और जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करेंगे। विधानसभा के इलेक्शन होने के लिए एक प्रस्ताव है, तो गोवा का भी इलेक्शन उसके सामने आएगा क्या? एक राष्ट्र में सभी ऐसा ही हो जाएगा दोनों साथ? देखिए, साइमल्टेनियस इलेक्शंस ऑफ द लोकसभा एंड विधानसभा इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री एंड डेमोक्रेसी आल्सो, एंड दैट इज व्हाई ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर रिक्वेस्टेड ऑल द पॉलिटिकल पार्टी to think about the simultaneous elections of the Lok Sabha and Vidhan Sabha. Some political parties are responded positively, some are not. But I think in the interest of the democracy, in the interest of the country, और जो expenditure होता है बहुत बड़े पैमाने पर, उसके लिए ये जरूरी है कि किसी भी मौके पर किसी भी समय इस बारे में सोचना चाहिए। लेकिन इसके लिए कंसेंसस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज नंबर 1, कंसेंसस ऑफ द पीपल्स ऑफ द कंट्री नंबर 2 इज नेसेसरी। माय लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड, इन द 2019 इलेक्शन हाउ मच मंदिर एंड हिंदुत्व विल बी द इशू? इन 2019 इलेक्शन द इशू इज डेवलपमेंट, 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 एंड we want the other our political parties and especially the so called expected allies and allies ki please fight 2019 election on the agenda of the development, because development is the only issue before the peoples of the country, and development is the only एजेंडा एंड कमिटमेंट ऑफ दी भारतीय जनता पार्टी है नरेंद्र मोदी। सवाल है, देश के बाहर जो काला धन है उसे देश में वापस लाने की बात मोदी जी ने की थी, लेकिन अब तक सरकार को उसमें सफलता नहीं मिली है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, सफलता सरकार को मिली है। जो पहली हमारी कैबिनेट हुई उसमें हमने ब्लैक मनी वापस लाने के लिए SIT बनाई, उसने जो है वो उन तमाम कंट्रीज, उन तमाम देशों से जो सेफ हेवन था ब्लैक मनी का, उनसे ट्रीटीज की, जो उनके जो है वो कई ऐसे कानूनी पहलू थे जिसको उनसे मिलकर के बातचीत की। आज की तारीख में मोर देन 3 dozen बेनामी प्रॉपर्टीज आर सीज्ड, और जो भी ब्लैक मनी लेकर गए हैं
उनको जो है वो ब्लैक मनी का एक एक पैसा वापस करना पड़ेगा, उसकी प्रोसेस बहुत इफेक्टिव और स्ट्रॉन्ग चल रहा है। After some of the dysfunctions coming up about VVPAT related issues, opposition, many of the opposition parties and also civil society is raising the issue that we should go back to the ballot system. How you respond to that? देखिए, as far as the EVM is concerned, I think more than 3 Lok Sabha elections EVM से हुआ और हम जो है वो उसमें एक 2014 का इलेक्शन ईवीएम से हमें जीते हैं। कांग्रेस पार्टी 2 लोकसभा का इलेक्शन थ्रू ईवीएम जीती है। डिफरेंट स्टेट में इलेक्शंस हुए ईवीएम से, जिसमें कि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज जीती हैं। हमारा मानना है कि ईवीएम में और ईवीएम को लेकर के कभी भी इलेक्शन में जिस पार्टी को के अगेंस्ट मैंडेट होता है, पब्लिक वोट करती है, वो ईवीएम पर क्वेश्चन करते हैं। इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि स्पेसिफिकली ऑन द इश्यू ऑफ द ईवीएम दे कैन कॉल द मीटिंग ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। अर्लियर उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज की मीटिंग बुलाई है एंड एनी टाइप ऑफ द एप्रीहेंशन कोई भी अगर है तो पॉलिटिकल पार्टीज से मिलकर के और उसको जो है वो सॉल्व करें। बट मेरा मानना है कि ईवीएम में ईवीएम से ही इलेक्शन होना चाहिए और ईवीएम के इलेक्शन का पर किसी तरह का कोई क्वेश्चन जो है वो प्रेजुडिस माइंडसेट से पॉलिटिकल प्रेजुडिस माइंडसेट से तो लगाया जा सकता है, लेकिन जो है मुझे नहीं लगता है कि उसमें कोई कमी है। थैंक यू। नकवी जी, एक क्वेश्चन है। हाँ, तीन तलाक के बारे में केंद्र सरकार ने तो कुछ कायदा किया, उसका कितना फायदा मुस्लिम महिलाओं को हुआ? आपके पार्टी को तो यूपी में बहुत सारा फायदा उसका हुआ ऐसा लगता है, और वो जो लॉ है अब कहाँ पर अटका हुआ है? देखिए, तीन तलाक जो है वो एक कुरीति है, एक कुप्रथा है, और हमारा देश जो है वो कुरीतियों और कुप्रथाओं को खत्म करने वाला देश है। सती प्रथा हमारे देश ने खत्म की। जिस समय सती प्रथा के खिलाफ राजा राम मोहन राय जी ने आंदोलन शुरू किया था, उस वक्त कुछ लोगों का कहना था कि आस्था से जुड़ा हुआ, धर्म से जुड़ा हुआ विषय है, इसको खत्म नहीं किया जाना चाहिए। बाल विवाह को खत्म किया गया और भी कई बड़े बड़े डिसीजन किए गए। इसके तीन तलाक का धर्म से कोई मतलब नहीं है, ये कुरीति और कुप्रथा है और इसको खत्म होना चाहिए, और इसीलिए लोकसभा में सरकार ने बिल पास किया है। अनफॉर्चुनेटली कांग्रेस पार्टी और कुछ और उनके पॉलिटिकल जो सब साथी हैं उन्होंने राज्यसभा में उसको रोका है। हमारी कोशिश है कि राज्यसभा में हम उसको पास कराएं आने वाले सेशन में। I would like to thank all the media friends, and I would like to thank Honorable Minister for addressing all your issues. We will be sending you a press release on the subject and also attach the PowerPoint presentation which has developments in various sectors that have been undertaken by the government. Kindly join us for the lunch, and I would like to invite all.